आज आपने कार्यक्रम किया है, जी बिल्कुल, इसके बारे में बताइए। खासकर इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एजुकेशन को लेकर काफ़ी सजग है और इसीलिए देश भर के यहाँ एजुकेशन स्टाइल्स में चांसलर थे, AICT के मेंबर सेक्रेटरी थे और सांसद JP यादव थे, जो खासकर इस पर चर्चा हुई कि आज भी स्किल की कमी है। सरकार योजना चला रही हैं और लेकिन जब नई शिक्षा नीति बनने जा रही है तो ऐसे में क्या कुछ ज़रूरत है कि हम और भी तेज़ी से आगे बढ़ें, जिसमें कि रेगुलेटर को सही दिशा मिल सके, और इसीलिए ये आयोजन किया गया था और सब ने अपने अपने सजेशन दिए और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको क्या मानना है? देखिए, सरकार शिक्षा नीति ला रही है, नई शिक्षा नीति ला रही है, उसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं और रेगुलेटर से निश्चित तौर पर कनेक्ट रहता है संस्थान से, लेकिन संस्थान अपनी बात कहना चाहता है और इसी वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ आकर अपने बात करता है, वो डायरेक्ट सरकार के पास अपने सजेशन नहीं रखते, किसी के थ्रू जाते हैं। तो AICCI खासकर इस पर आगे बढ़ रहा है। सरकार तो काफ़ी योजना बनाती है शिक्षा पर हर चरण, लेकिन अमल में नहीं आ जाते, जैसे ऐसी जो संस्थाएं कार्य करती है तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन इस बार काफ़ी जो नीति बन रही है उसमें करीब शिक्षा मंत्री से हमने बात किया था, करीब 2.5-3 लाख लोगों से लगातार वो बात किए हैं। डॉक्टर सतपाल जी ऑलरेडी उन्होंने शुभकामना भी दी है। तो इसके बाद हुआ कि जब भी संस्थाएं आती हैं, संस्थाएं अपने अपने सजेशंस लेकर स्टेज पर आ रही हैं, तो इसीलिए लगातार AICC ने सबसे पहला सोचा कि क्यों नहीं हम एजुकेशन के ऊपर कार्य करें और इसी की दिशा में ये पहला कदम। तो क्या गवर्नमेंट से आपको कोई सहयोग मिले या कोई गवर्नमेंट अफसर से आपको? गवर्नमेंट के रेगुलेटर थे वहाँ, AICT के मेंबर सेक्रेटरी थे, मित्तल साहब थे, जिन्होंने साहब ने अपनी बात रखी कि हमने स्मार्ट हैकाथॉन शुरू किया है जिसमें बच्चों ने 36 घंटे लगातार जग के अपना सजेशन वहाँ देते और हम उसको कवर किए हुए हैं। हैकाथॉन में लगातार यहाँ NDIM कवर में खासकर हैकाथॉन लगा था और जगह था, तो वहाँ पर बच्चे अपने खासकर इनोवेटिव देते हैं और उनको ला के फिर आगे वो सरकार उसको जॉब, इवन NDIM तो उन बच्चों को जो हैकाथॉन में आया उन्हें जॉब भी ऑफर किया। तो सरकार इस तरह से योजनाएं लाई हैं जिसका वो लाभ ले रहे हैं।